गुरुवार की देर शाम गोकुल बैराज मोड़ के समीप श्रीजी घाट पर जमुना महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कमल निषाद द्वारा बताया गया कि 16 जुलाई को जमुना महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। इसमें इस बार श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ आज यमुना महारानी की आरती एवं 56 भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ में ही जमुना आरती में हिंदू भक्तों के साथ साथ मुस्लिम भक्त भी दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने बताया कि जो राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर रोटियां सेक रही है वह इसे बंद करे, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। मेरा नाम कमल निषाद है। आज आपके द्वारा क्या आयोजन किया गया है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी काशी चैंपियन जो आपके द्वारा इनका स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? श्री जी घाट पर पधारे हमारे भैया बड़े भाई, यहाँ श्रीमद् भागवत का रसपान सभी भक्तों ने लिया 7 दिन, उसके बाद में 56 भोग मैया के और मैया की महाआरती। मैया की महाआरती प्रत्येक 16 तारीख को होती है, ऐसे ही रंगल मंगल यहाँ होते रहते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम मैया की आरती होती है, सभी भक्त आते हैं मैया की आरती करते हैं। आज वार्षिक महोत्सव मनाया गया है, 16 जून को यहाँ वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि सभी भक्त सभी आते हैं और यहाँ मैया की आरती करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं सभी भक्त। मैं यही चाहूँगा कि जैसे श्रीजी घाट पर आरती हो रही है, सभी भक्तों से अनुरोध है मेरा कि ऐसे आरती हर घाट पर हो। और यमुना मैया की एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यमुना मैया शुद्ध हों, शुद्ध हों, शुद्ध हों। मेरी योगी जी मोदी जी से निवेदन है कि यमुना मैया को शुद्ध करें। यमुना मैया तो हमेशा से शुद्ध हैं, क्योंकि हम भी इनका आचमन आज भी लेते हैं और लेते रहेंगे। हमारे बुजुर्ग भी लेते थे, लेकिन मैं एक बहुत ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि मैया में हमारी में सीवर लाइन भी आ रही हैं, ये मेरे को रोना आता है कि, और हमारे भैया आए हैं इस बात को वहाँ तक पहुँचाएँ कि श्री जी घाट से ये संदेश आया है औरंगाबाद मित्र मंडल की तरफ से कि इसको मैया को शुद्ध करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। गोकुल बैराज मोड़ पर आए प्रोग्राम में यहाँ आपका स्वागत किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जय श्री राजे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री सब समाज। आज मैं सबसे पहले मैं अपने जमुना मैया के चरणों में नमन करता हूँ। और आज जो ये कमल निषाद जी ने और गोपाल जी ने और हमारे बंटी सिद्दीकी और हमारे मोनू सिद्दीकी जी और जितने भी यहाँ जो भक्तगण आए हुए हैं, ये हमारा ये भाईचारे का आज एक बिल्कुल एक प्रतीक है। क्योंकि ये हमारी सनातन की वो सबरी हमारी, ये जो कहते हैं, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दो, कोई कहता है कछु राष्ट्र बना दो, कोई राष्ट्र नहीं, सब हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई ये तीनों हैं भाई भाई, जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान है। आज मेरे साथ जो आई हुई हैं हमारी चांदनी बेगम जी कोशिश से आई हुई हैं और इनका जो वो चल रहा है, और मैं भड़काने वालों से और सबसे मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि भड़काने में मत आइए, क्योंकि परमात्मा सब एक ही है। और आज जो समय चल रहा है आज इनको मान करके, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और हमारे माननीय विनोद विद्यार्थी जी और अमित शाह जी जैसे जो मेहनत कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, कभी एकाएक मोदी जी के या योगी जी से मोड़े से कभी आपने कोई एकाएक शब्द सुना है, ये बताइए। और मैं आज जितने जिन्होंने जो करवाए हमारे गोपाल जी का कमल जी और ऐसे कराए, इनको बारंबार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे उत्सव हमारे होते रहे, क्यों हमारी जो संस्कृति है, आज जो हमारे जो नौजवान है उनको हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता है कि संस्कृति हमारी क्या है। तो आज जो क्यों ना तो कोई रिश्ते पर कायम रहा, आज जब तक हम रिश्ते पर कायम, कभी कोरोना लिया है सपा कहाँ से भी होगी, जब अपने परिवार में ही अभी नहीं बनने में आ रहा है तो प्रदेश का क्या विकास करेंगे।